27 दिसंबर 2007 को तारीख ने एक बाब बंद कर दिया और शख्सियत, बुलंद इरादा और चट्टान हौसलों के नकूश रहती दुनिया तक महफूज कर लिए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में अपने आखिरी जलसे से आखिरी खिताब करके रवाना हुई बेनजीर भुट्टो धमाके और फायरिंग का शिकार हुई। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम और दो मरतबा सरबराह हुकूमत के मनसब पर फायज रहने वाली बेनजीर भुट्टो की शहादत ने मुल्की तारीख बदल कर रख दी। 21 जून 1953 को जुल्फिकार भुट्टो और नुसरत भुट्टो के यहाँ पैदा होने वाली बेनजीर की वाकई कोई नजीर नहीं। जिंदगी हिम्मत, जज्बे और कुर्बानियों की दास्तानों से भरपूर रही। घर वाले पिंकी कहते थे, अंग्रेजी जुबान में अबूर और ओ लेवल्स में नुमाया एजाज पिंकी को आला तालीम के लिए रेडक्लिफ कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले आया। अपने वालिद को आइडियल मानते हुए पिंकी की सियासी तरबियत भी जुल्फिकार अली भुट्टो की छांव तले हुई। सियासी तरबियत के दौरान ही एक मोड़ आया, जुल्फिकार भुट्टो मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। बेनजीर भुट्टो सियासी तरबियत बरूए कार लाई, पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने और वालिद के लिए इंसाफ की आवाज उठाने अपनी वालिदा का भरपूर साथ दिया। बेनजीर ने अपने वालिद की मौत का बड़ी बहादुरी से सामना किया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर और उनकी वालिदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अजां 6 महीने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। वालिद की फांसी के तकरीबन 1 साल बाद बेनजीर को नजरबंदी से आजादी मिली। नजरबंदी खत्म हुई तो पीपल्स पार्टी की बागें थाम कर बेनजीर ने पार्टी को पगडंडियों से वापस इक्तदार की शाहराह पर गामजन किया। फरवरी 1981 में बेनजीर ने MRD की बुनियाद रखी। MRD पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का एक इत्तेहाद था और MRD का मुतालबा 1953 के आयन की बहाली, पार्लिमानी इलेक्शन का इनाकाद और मुल्क की बाग दौड़ मिलिट्री लीडरशिप से आवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को मुंतकिल करना था। जिया हुकूमत ने मार्च 1981 में बेनजीर भुट्टो और उनकी वालिदा को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद नुसरत भुट्टो को कैंसर के इलाज की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया, लेकिन बेनजीर पाबंदी सिलसिल रही और पहले उन्हें कराची और फिर सखर जेल मुंतकिल कर दिया गया। दिसंबर 1981 में बेनजीर भुट्टो को जेल से घर मुंतकिल किया गया, जहां वो तकरीबन 2 साल तक नजरबंद रही। 1984 में बेनजीर भुट्टो अमेरिका चली गईं और कुछ अरसे बाद वहीं से ही पार्टी की एक मरतबा फिर से तंजीम साजी शुरू की। इसी दौरान बेनजीर को अपने भाइयों की जानिब से पार्टी की सरबराही के हवाले से तनाजियात का भी सामना करना पड़ा। 1985 में पाकिस्तान से मार्शल लॉ का खात्मा हुआ तो बेनजीर वतन वापस आई। अप्रैल 1986 में बेनजीर भुट्टो अपनी सियासी मुहिम के तहत लाहौर गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीबन 2 लाख लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो ने अपनी मुहिम मजीद तेज कर दी। बेनजीर अगस्त 1987 में आसिफ जरदारी के साथ शादी के बंधन में बंध गईं और शादी के 1 साल बाद उनके यहाँ पहले बच्चे बिलावल भुट्टो की पैदाइश हुई, जिसके बाद 2 बेटियाँ बख्तावर और आसफा भुट्टो पैदा हुई। 1988 में जनरल जियाउल हक ने असेंबलियां तहलील करने के बाद नवंबर में नॉन पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया। उसी साल उनकी एक तियारा हादसा में वफात हुई और बाद अजां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नॉन पार्टी इलेक्शन के फैसले को कलदम करार देते हुए पार्टी बेस पर इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। बेनजीर ने MRD से अलहदगी इख्तियार करके इलेक्शन मुहिम चलाई। 1988 के इलेक्शन में इस्लामी जमहूरी इतिहाद पीपल्स पार्टी का हरीफ बनकर उभरा। IGI की इंतखाबी मुहिम में बेनजीर के किरदार पर बड़े पैमाने पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन बेनजीर की आदत में पीपल्स पार्टी इलेक्शन नतीज के बाद 93 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बनकर उभरी। IGI को 54 सीटों पर कामयाबी मिली। सादा अक्सरियत ना होने के बाईस पीपल्स पार्टी ने MQM से इतिहाद करके मरकज में हुकूमत कायम की और 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर ने बतौर पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम हल्फ उठाया। उनको यह एजाज भी हासिल हुआ कि वो उस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क की नौजवान तरीन वजीर आजम बनी। उनके मनसब संभालने के 2 साल बाद ही सदर इसहाक खान ने मुल्की हालात और हुकूमती नाअहली को वजह आते हुए अगस्त 1990 में असेंबलियां तहलील करके इमरजेंसी का निफाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के ही साबिक रुकन गुलाम मुस्तफा जतोई की सरबराही में कायम मकाम हुकूमत ने मुल्क की बाग दौड़ संभाली। इसी साल आम इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया गया। बेनजीर के शोहर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 3 साल तक कैद में रहे। 1990 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को खातिर ख्वाह कामयाबी नसीब न हुई। पीपल्स पार्टी ने ऐवान में 45 नशिस्तें जीतीं। IGI जीत गई और नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। बेनजीर भुट्टो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हुई। 1993 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अक्सरियती पार्टी बनी और कुल 86 सीटें जीतीं। बेनजीर भुट्टो ने 19 अक्टूबर 1993 को दूसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया। बेनजीर भुट्टो ने जब अपनी वालिदा को पार्टी की शरीक चेयरमैन के ओहदे से हटाया तो उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बेनजीर हुकूमत पर 2 साल बाद करप्शन के इल्जाम
इल्जामात लगने लगे और 20 जुलाई 1996 को जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने हुकूमत के खिलाफ महाजराई का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी ने सेनेट की तमाम नशस्तों से इस्तीफे दे दिए और 27 अक्टूबर 1996 को अपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिए। 4 नवंबर 1996 को उस वक्त के सदर फारूक लगारी ने करप्शन को बुनियाद बनाते हुए बेनजीर हुकूमत को तहलील कर दिया। बेनजीर ने सदर के इस अकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बेनजीर के खिलाफ फैसला दिया। 1996 में एक मरतबा फिर नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए तो हुकूमत ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ करप्शन केसेस में तहकीकात मजीद तेज कर दी। 1999 में बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी पर बैरून मुल्क चली गयी। बेनजीर भुट्टो ने हरीफ नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत किया। तकरीबन 8 साल बैरून मुल्क गुजारने के बाद बेनजीर भुट्टो अक्टूबर 2007 में वतन वापस आई। बेनजीर की वतन वापसी पर उनकी जान को खतरे के हवाले से बारहा आगाह किया गया था, मगर उन्होंने फैसला किया कि वो अवामी लीडर हैं और अवाम के साथ बाहर निकलेंगी। बेनजीर भुट्टो ने आम इंतखाबात 2008 की मुहिम का आगाज कर दिया। वतन वापस आते ही बेनजीर भुट्टो पर पहला हमला 18 अक्टूबर 2007 को हुआ, जब वो कराची में कारसाज के मकाम पर एक बहुत बड़ी रैली की क्यादत कर रही थी। उनके कंटेनर के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में करीबन 130 अफराद जां भाग हुए। हमले के बावजूद बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी और उन्होंने आमरियत के खात्मे और जमहूरियत की बहाली की अपनी मुहिम को मजीद तेज कर दिया, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर उनको कुछ रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी आई, वो शहर के जहां उनके वालिद जुल्फिकार भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया गया था। बेनजीर भुट्टो ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब किया। आवाम को मुश्किलात से निकालने और मुल्क की डूबती नैया को तूफानों से बाहर लाने का वादा किया। खिताब के बाद बेनजीर एक काफले की शक्ल में लियाकत बाग से निकली। सिक्योरिटी खतरात के बावजूद वो अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद कारकुनों का जोश और वलवला देख कर न रह सकी और गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल कर इर्द गिर्द मौजूद कारकुनों को हाथ हिलाने लगी। इसी दौरान हजूम में मौजूद एक शख्स ने पिस्तौल लहराई और बेनजीर भुट्टो पर 3 फायर किए। चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। बेनजीर भुट्टो को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जहाने फानी से कूच कर चुकी थी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। उन पर हमले की जिम्मेदारी तो अलकायदा ने कबूल की। 12 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका कि बेनजीर भुट्टो का असल कातिल कौन था। मुकदमा ताहाल जेरे समात है, जिसमें उस वक्त के फौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ भी नामजद हैं। बेनजीर भुट्टो की जिंदगी का इख्तिताम उस जगह से चंद किलोमीटर दूर ही हुआ जहां उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जिंदगी की आखिरी शाम गुजारी थी और उन्हें फांसी दे दी गई थी। बीबी को उनके वालिद के पहलू में उनके आबाई इलाके गढ़ी खुदा बख्श में ही दफन किया गया।